मुझे जो ना आप लोगों से कुछ बात करनी थी, तो उसकी सोचा पहले आप लोगों से बात कर लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं जी किचन में, काम भी मेरे किचन में कुछ रहते हैं जी। तो सोचा पहले आप लोगों से कुछ बात करनी थी मैंने, तो किसी टॉपिक के ऊपर मेरे ख्याल से ये बात करनी भी ज़रूरी थी। ठीक है जी, करनी चाहिए ना। हम मैं भी समझे एक मैं जब ये बात करने वाली हूँ ना, ये समझे मैं भी क्या बताऊँ, मैं किसी के समझो मैं भी एक सब्सक्राइबर हूँ किसी के चैनल के लिए, चैनल उस हवाले से मैं बात करूँ। हाँ जी, तो बात ये है, पहली बात तो ये है, ये जो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, ये थंबनेल के हवाले से ही मैं आज बात कर रही हूँ। तो बात ये है कि भाई पहली बात तो ये, हमारे सिंध में तो ऐसा ये रिवाज है ही नहीं किसी के यहाँ महीनों महीनों रुकने जाने का। ये शायद पंजाब में है, हमारे यहाँ ये नहीं है। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, सिंध में ये रिवाज ना होने के बराबर है किसी के यहाँ रुकने का। अगर हाँ कोई बहुत मजबूरी है, कोई किसी के यहाँ रुकने जाता भी है, अनजान लोग जो मतलब फर्स्ट टाइम मिले हों, हाँ बहुत पुरानी दोस्ती है या कुछ है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से जो आजकल के यूट्यूबर जो है वो एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं, उस हवाले से मैं बोल रही हूँ, तो वो जो है वो सिंध में इतना बोल नहीं है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत भी है। ठीक है जी, ये चीज़ गलत है इस तरह से ये किसी के यहाँ महीनों महीनों रुकने जाना, आप भी किसी के घर जाओ या वो आपके यहाँ आए, ये दोनों गलत चीज़ें हैं, ये गलत बात है। इस तरह से तो फिर वो गलत बातें हो जाती हैं, गलत जो अभी हो रहा है इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान, तो ये गलत बात है। किसी के यहाँ जो है ना वो कुछ है अनजान फैमिली यूट्यूबर, हम किसी को जानते थोड़ी हैं, अच्छी बात है जो भी है तो हम उनके ब्लॉग देखते हैं, वो हमारे ब्लॉग देखते हैं, इस तरह से किसी को हम इस तरह अच्छी तरह से तो नहीं जानते ना, अच्छी तरह से चलो भाई वैसे फ्रेंडशिप हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो है ना ये तो गलत है। तो ये फैमिली जो है ना वो एक दूसरे के यहाँ महीनों महीनों रुकने भी जाते थे, तो इस तरह से जो है वो ये कहानी हो गई। और जो है वो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतना ड्रामा भी लोग कर रहे हैं सिर्फ न्यूज़ के लिए, इतना ड्रामा। मुझे लोग कहते हैं कि आपका चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप कुछ करें, जैसे कि आप कोई ऐसे घर में आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करो मियाँ बीवी, या फिर मतलब कोई भी इस तरह का टॉपिक लाओ तो उससे ये कि आपका चैनल वायरल होगा, लेकिन वो हमसे होता नहीं है, सच्ची बात है, ना मुझसे होता है ना मेरे घर वालों से होगा। मैंने कहा नहीं भाई, जो जैसा चल रहा है ना मेरा चैनल चलने दो, एक ना एक दिन वायरल इंशाल्लाह हो ही जाएगा, उसके लिए ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो वायरल हुए हुए चैनल्स पे भी कितना ड्रामा, तो एक फैमिली का तो भाई ड्रामा तो मुझे समझ नहीं आया, कल चोरी हुई, रोना धोना मार पीट सब चल रही है, दूसरे दिन जो है वो हंसते हुए जो है ना वो ब्लॉग बना रहे हैं, बिल्कुल जो जो है वो बीवी को इतना मारा वीडियो में भी दिखाया, और उसी बीवी से हंसी मजाक, और घर में कोई लग ही नहीं रहा कि इनकी इतनी बड़ी चोरी हुई है। भाई घर में अगर सीरियसली अगर कोई चोरी हुई हो ना, 6-7 लाख से दूर की बात है, 1 लाख की भी अगर चोरी हो तो घर का माहौल ख़राब रहता है, और अगर वो बीवी की वजह से हुई हो चोरी तो फिर तो घर का माहौल तो महीनों महीनों नहीं सही होने वाला भाई। और यहाँ जो है वो घर के माहौल से, आपकी बातों से, आपकी हंसी से, आपकी किसी चीज़ से नहीं लग रहा कि भाई घर में कल परसों चोरी हुई है। तो ये मुझे पहले जब मैंने उनका वो ब्लॉग देखा तो मुझे लगा कि वाकई ये हो गया, वो तो वाकई सामने वाली चोरनी, तो मैं खुद उनको बुरा भला कहने लगी थी कि भाई चोरनी है, वो ऐसी है तो वैसी है। ज़ाहिर बात है हम तो पब्लिक है ना, तो हमें वो लोग जो है ना वो बस पता नहीं क्या समझते हैं कि हम शास खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो है वो इतनी जो है ना, मैं भी मैंने जब ब्लॉग देखा उनका तो मुझे भी लगा, मैंने कहा भाई ये तो वाकई वो चोरी निकली, देखो तो इतना बड़ा फ्रॉड करके गई, चोरी करके गई है वो। जब आज का मैंने उनका ब्लॉग देखा, मैंने कहा लो भाई ये तो सारा ड्रामा था, कि तो चोरी होती है तो इंसान की शक्ल से भी दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि आपकी 6-7 लाख की चोरी हुई है। यानी कैसे कैसे लोग हैं भाई, मुझे तो मेरी तो समझ से बाहर निकल। तो ये है जी, तो पहली बात तो ये है कि किसी के यहाँ अवल तो इस तरह से जाना आना ही नहीं चाहिए। हाँ यूट्यूबर हो उसका मतलब ये नहीं कि महीनों महीनों किसी के यहाँ चले जाओ, कोई आपके यहाँ महीनों महीनों या कुछ काफ़ी दिनों के लिए रुकने आ जाए, ये चीज़ तो गलत ही है। हमारे सिंध में ये बहुत कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता,
शायद पंजाब में इस चीज़ को बुरा नहीं माना जाता, लेकिन हमारे यहाँ सिंध में ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे जो है ना जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे ही लगता है। तो जो है वो ये कहानी है भाई, किस कदर लोग जो है ना ड्रामे पाल हैं। मेरी तो कहानी समझ से बाहर है, जब मैंने दूसरी पार्टी जो है वो रुबीना नाम की जो लेडीज हैं उनको ना मैं जानती हूँ, ना मैंने कभी उनको ब्लॉग उनके देखे, ना मैंने कभी उनको यूट्यूब पे मेरे सामने कभी वो उनका ब्लॉग ब्लॉग आया। हाँ, जब ये जो है वो सभा अहमद वालों का जो है वो जब मैंने ब्लॉग उनके, मैं अक्सर ब्लॉग देखती हूँ, जब अभी ये लोग उम्र पर गए थे तो मैंने उनके ब्लॉग्स देखे सारे। तो जो है वो मैं उनको देखती हूँ, तो अभी जब ये झगड़े वाले मैंने ब्लॉग देखे तो मैंने सोचा कि देखूँ ज़रा कुछ ब्लॉग्स के मसला क्या है। तो मैंने जब ये ब्लॉग्स उनके देखे तो फिर मुझे पता चला रुबीना का जो है ना, बाद में मैंने फिर सर्च करके उनका चैनल देखा। मैंने सोचा भाई दोनों तरफ जो है वो देखना चाहिए, एक तरफ जो है ना क्या कहते हैं तस्वीर का दोनों रुख देखने चाहिए। तो मैंने इसलिए जो है वो उनके चैनल भी सर्च किया और मैंने देखा उनका भी चैनल। तो उनकी बातों से तो अभी मुझे जो है वो ऐसा कुछ नहीं लगा कि उन्होंने चोरी की है, जहाँ तक मेरा ख्याल है भाई। मैं अपनी पर्सनल राय दे रही हूँ भाई, अब लाल हुई भी है नहीं भी हुई, लेकिन मुझे जो लगता है कि नहीं हुई, और चलो हुई भी है तो दूसरी पार्टी जिनकी चोरी हुई है उनके जो मैंने आज का ब्लॉग देखा तो वो तो मेरी समझ से बाहर था। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा भाई देखो तो कितने लोग ड्रामे पास हैं, समझ से बाहर है। किसी के अगर छः सात लाख की चोरी हो जाए और फिर भी घर का माहौल वैसा का वैसा ही लगे ही नहीं कि भाई चोरी हुई है, तो ये तो भाई गलत है। तो ये चीज़ गलत है, इस तरह से व्यूज़ के लिए आप लोग जो है पब्लिक को भी वो बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, गलत बात है। और इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी पे लगाना, बस सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि भाई लोग जो है व्यूज़ पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। थंबनेल पे लोग वाकई पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं कि भाई ये मेरा बेटा इतना बीमार हो गया, मेरी बीवी का रो रो के बुरा हाल हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो व्यूज़ पाने के लिए इस कदर गिरी भी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो भाई हमारे भी व्यूज़ नहीं आ रहे अभी, चैनल हमारा भी वायरल नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बोलें कि भाई अल्लाह ना करे मेरे बेटे को कुछ हो गया, मेरी बेटी को कुछ हो गया, ये नहीं करना चाहिए हर। तो बस ऐसे ही सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि भाई लोग जो है वो इस हद तक गिर सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बस यहाँ तक कि आज बस इतना सही, मैंने इस टॉपिक पे ही मैंने आप लोगों से बात करनी थी। बाकी तो मैंने भी आज वीडियो शुरू भी नहीं बनाई है अभी, बस मैंने भी अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है जी, खाना भी पकाना है। तो खाने में आज मैं क्या पकाने वाली हूँ, हाँ जी खाने में आज मैं क्या पकाने वाली हूँ वैसे मुझे खुद नहीं पता है, तो मैंने सोचा नहीं है कि खाने में क्या पकेगा, देखते हैं जी। वैसे मैं सोच रही थी बिरयानी पकाने का, हाँ जी आज बिरयानी पकाते हैं जी, चिकन बिरयानी। काफ़ी टाइम हुआ बिरयानी पकी भी नहीं है, सोच रही हूँ जी बिरयानी पकाते हैं। और मेरा कुकिंग चैनल जो है ना, मेरा पता है मैं रेसिपीज जो है ना इस पर नहीं डालती हूँ ब्लॉग चैनल पे, तो आप जो है ना वो मेरी कुकिंग चैनल पे जाया करें, मेरी रेसिपी अगर देखनी है आप लोग तो कुकिंग विद बीना के नाम से मेरा चैनल है। तो आप लोग जो है वो मेरा चैनल को जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अच्छी अच्छी रेसिपीज देखें, ठीक है जी। तो अभी आज बिरयानी बनाऊँगी ना इंशाल्लाह, तो बिरयानी की रेसिपी भी मैं उस चैनल पे अपलोड करूँगी, तो आप लोगों ने लाजमी जाके बिरयानी की रेसिपी लेनी है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी, फिर खाना वगैरह पकाते हैं, देखते हैं बाकी के आज का रूटीन क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी कुछ पता नहीं है। शाम में मैं अक्सर छोटे मोटे काम के लिए निकलती हूँ, कल भी गई थी, तो अभी जो है वो चलते हैं जी किचन में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और जो है वो उनसे मैं माजरत भी करती हूँ, ठीक है जी, दोनों पार्टियों से कि मैंने जो है ना अपने चैनल पर उनका टॉपिक ले कर आई। तो मैं सिर्फ अब मैं उनको कमेंट करूँ और इतने सारे कमेंट कैसे करूँ जो मैंने अभी बातें की, इसलिए मैंने सोचा मैं एक ब्लॉग ही बना लेती हूँ, ब्लॉग अपने ब्लॉग में ही मैं बात कर लेती हूँ। तो ये है जी, पब्लिक को जो है ना इतना भी आप लोग वो नहीं समझो कि पब्लिक कास नहीं खाती, ठीक है जी, जो सच्चा इंसान होता है वो नज़र आता है। और मैं दोनों पार्टीज के साइड नहीं ले रही हूँ, ठीक है जी, दोनों पार्टीज के, मुझे नहीं पता कि चोरी हुई कि नहीं हुई, उनका अपना मसला है, अपना पर्सनल वो है। लेकिन जो मैंने आज का ब्लॉग देखा वो मेरी समझ में नहीं आया कि
मुझे ये क्या सीन है, ये क्या सीन है। कल घर में मारामारी लगी हुई थी, चोरी हो गई और आज जो है वो बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा कि भाई चोरी तो दुख की बात है, लेकिन पता चल गया कि वो एक ड्रामा था। ठीक है जी, तो मैं मेहरबानी इस तरह करना क्या कर। और जो है वो यूट्यूबर्स, अगर आप लोगों ने आपस में रास्ते करने भी हैं, आप लोग फ़ोन की हद तक रहो, किसी के घर जाना और दूसरे जगहों तक रुकना यह वैसे गलत बात है, ये करना भी नहीं चाहिए। खैर तो वैसे गलत चीज़ है, ये शायद पंजाब में होता होगा ऐसा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी कहीं मिलना है, आप लोग बाहर मिल सकते हैं, लेकिन घर घर तक जो है ना वो जाना सही नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, अगर कोई किसी के फर्ज करें, कोई अगर कराची आ रहा है पंजाब से और उनका कोई रहने वहने का ठिकाना नहीं है, वो छुई है, चलो तो एक दिन के लिए चलो कोई आ जाए तो समझ में आता है, लेकिन महीनों महीनों नहीं, तो ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता है। जो बात सच है, मेरे सिंध में रहने वाले जितने भी हैं ना, वो इस बात की गवाही देंगे कि हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है। ठीक है जी, आजकल का दौर तो ऐसा है, ये तो चलो यूट्यूबर्स की बात हो रही है, लेकिन आजकल का दौर तो ऐसा है कि भाई अपने रिश्तेदार भी जो है ना, अब महीनों महीनों अब नहीं रुक सकते। पहले का दौर होता था जब मेहमान जो है वो महीनों महीनों रुकते थे, तो कोई परेशानी नहीं होती थी मेहमान को भी, और महंगाई भी नहीं थी तो चल जाता था। लेकिन अब का ये दौर नहीं है कि रिश्तेदार भी जो है ना वो महीनों आके रुके, ना मेहमान खैर ऐसे आते हैं अब, और ना ही मेज़बान बर्दाश्त कर सकता है, और ना ही आजकल के इतने जो है ना वो मेहमानों की जो है ना मेहमान नवाजी भी नहीं हो सकती महीनों रुकने वालों की, क्योंकि महंगाई आप लोगों के सामने है, महंगाई आप लोगों के सामने है। तो ये जो है ना आजकल ख़ानदान में भी ऐसा नहीं होता, मतलब दुख ये तो गैरों की बात हो रही है। ठीक है, जो गैरों पर भरोसा करने वालों का फिर वो सीन भी तो ये हो गया ना, ये भी तो है ना, अपने तो चलो महीनों रुक जाए तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन गैरों को आप घर पे रखेंगे तो फिर तो सीन तो होने ही है ना। तो इसलिए जो है वो कोशिश क्या करो, मैं जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स तो इस तरह की हरकतें नहीं करते सर, किसी के घर आने जाने वाली या कुछ भी, लेकिन छोटे छोटे जो भी यूट्यूबर्स हैं, मैं सबको बोल रही हूँ कि बड़ा मेहरबानी इस तरह की कभी कोई हरकत ना करें, कि आप लोगों को परेशानी हो कि चोरी हो जाए घर में या कुछ हो, अल्लाह ना करें, हम वहाँ की खुला वजह की दुश्मनी भी पाल लें, तो ऐसा जो है ना वो प्लीज़ ना करें। ठीक है जी, चलते हैं जी किचन में, मिलते हैं फिर आप लोगों से किचन में। बिरयानी और रेसिपी जो है ना वहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं दिखाऊँगी मैं, यहाँ सिर्फ आप लोगों को एंड दिखाऊँगी कि मैंने बिरयानी बना ली, बाकी की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर मिलेगी, कुकिंग चैनल पर, कुकिंग विद बीना के नाम से। मेनी आवर्स लेटर। हाँ जी, तो हमारा डिनर हो चुका है रेडी, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है जी, करते हैं डिनर, और इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो कुकिंग चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।